जिस पे कब्जा था दिल्ली पुलिस की सह पर भगवा गुंडों का, किनारे करके ये पूरा गेट खोला गया है। इन संघी आतंकवादी बन चुके गुंडों को ये जवाब देना बहुत जरूरी था। कैंपस के भीतर से वो बातें सुनने को मिल रही थी जो बहुत खतरनाक थी। ये देखिए, अभी तुरंत जेएनयू का मेन गेट खोल दिया गया है और आंदोलन करने के लिए जेएनयू के अंदर से छात्र आए और बाहर से इधर छात्र खड़े थे और ये पूरा दृश्य है। भाई रुको, आप ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, अभी तुरंत गेट खोला गया है। यहाँ हजारों की संख्या में बाहर जो लोग नारे लगा रहे थे वो लगातार ये अपील कर रहे थे कि गेट खोला जाए, क्योंकि गेट के अंदर भी बहुत सारे छात्र जेएनयू के अंदर से बाहर आ रहे हैं। और अब आप ये देख पा रहे होंगे कि गेट ये पूरा खोल दिया गया है, मेन गेट, और पूरा जेएनयू के लोग, और अब अपील ये की जा रही है कि अब सारे लोग अंदर जेएनयू कैंपस में घुस चले जाएंगे। ये दृश्य उस आंदोलन की खूबसूरत बात ये है, यहाँ मेन गेट पर जब सारे आंदोलनकारी बैठे थे और मेन गेट को खोलने की अपील कर रहे थे, क्योंकि बाहर जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा छात्र जेएनयू में अंदर से बाहर की तरफ आए, और अभी ये गेट खोला गया है। अब जितने भी लोग साथ में थे वो अंदर की तरफ जाने जा रहे हैं, और उम्मीद ये है कि पूरे कैंपस में मार्च करेंगे। सलमान खुर्शीद और ये दिलचस्प नजारा है। अब ये सारे लोग जेएनयू में अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि जिस पे कब्जा था दिल्ली पुलिस की सह पर भगवा गुंडों का, उसे किनारे करके ये पूरा गेट खोला गया है। और अब जेएनयू के अंदर सारे लोग जा रहे हैं। इन संघी आतंकवादी बन चुके गुंडों को ये जवाब देना बहुत जरूरी था, और ये पूरा गेट खोल दिया गया है और सारे लोग अब अंदर जा रहे हैं। अब ये बाहर जितने लोग खड़े थे वो सारे लोग गेट खोलने के लिए मजबूर किए और जेएनयू का मेन गेट खोल दिया गया, और सारे लोग जेएनयू के साथियों का साथ देने के लिए कैंपस में अंदर अब आ चुके हैं। ये इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पल। इसके पहले पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि कैंपस के बाहर और भीतर जो लोग हैं उनको अलग किए रखा जाए, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे ना कि ये पूरा मामला ये है कि पीछे आप देख पा रहे हैं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेएनयू के अब आप एक चीज और देखिए कि जैसे ही कुछ लोग अंदर आए इन्होंने फिर से ये गेट बंद करने की कोशिश की है, वो लगातार गेट बंद कर रहे हैं ताकि और लोग अंदर ना जाएं।
अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर लोगों को अंदर भेजा जाए और पुलिस ये गेट बंद करना चाह रही है। खोल दीजिए और एक चीज सोचिए कि ये खतरनाक है कि ये फिर से गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ये गेट खोल दिया गया। पुलिस के लोग कोशिश कर रहे थे कि गेट बंद कर दिया जाए लेकिन फिर से खोल दिया। शर्म करो, शर्म नहीं, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, और ये पूरा पुलिस है तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, हाय 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 हाय, दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय, गेट खुला स्टेशन रहता है यहाँ पे थोड़ी देर। ये एक चीज देखिए कि जैसे ही ये गेट खुला वो ये कोशिश किए कि कुछ लोग और अंदर चले जाएं, और उसके बाद कि अंदर के हालात बिल्कुल पता नहीं चल पा रहे थे, और अब ये गेट खुला हुआ है और लोग अंदर बाहर हर तरफ हैं और इतनी भीड़, ये इस बात की परिचायक है कि किस तरह से यहाँ आतंक का माहौल बन गया था और अब तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। जेएनयू का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि कैंपस के भीतर से वो बातें सुनने को मिल रही थी जो बहुत खतरनाक थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।